नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे, और स्टूडियो में डिस्कस करेंगे आज के हमारे 16 अप्रैल के करंट वीडियो को। तो फटाफट क्या वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कर देंगे लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे रेड बटन के साथ, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और किसी वीडियो को आप मिस ना करें। सभी प्रकार की PDF फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं आज के 1096 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन एक के साथ। और क्वेश्चन एक है कि किसे को KY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो किसको EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो किसको, वह फाल्गुनी नायर को, नायर कंपनी की जो संस्पादक है फाल्गुनी नायर, उनको, ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनी है नायका, उसकी संस्पादक है फाल्गुनी नायर, उनको EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड 2021 के 23वें संस्करण में जो है उनको सम्मानित किया गया। जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट लार्सन एंड ट्यूब्रो के ग्रुप चेयरमैन AM नायक को दिया गया है। रिवीजन करते हैं क्वेश्चन एक के साथ। पहला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं, तो है रोहित शर्मा, पहले हैं विराट कोहली और दूसरे बॉम्बे इंडियंस के जो है कप्तान रोहित शर्मा बने हैं। भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो वह 14 अप्रैल को। कब मनाते हैं अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल को। भारत का मुख्य G20 समन्वय किसे नियुक्त किया गया है, तो वह हर्षवर्धन श्रृंखला को। हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, डॉक्टर मनोज कुमार सोनी को। विश्व व्यापार संगठन WTO ने रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस साल अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो वह 3%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितना कर दिया है, तो वह 8%। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत जो पुरस्कार है वो जीते हैं, तो इस्पात मंत्रालय ने। सही आंसर होगा D। इस्पात मंत्रालय के तहत जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है उसने 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं। स्कॉच शिखर सम्मेलन का विषय था स्टेट ऑफ BFSI एंड PSUS था। क्वेश्चन नंबर देख सर D। नीदरलैंड महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका टीम के पोर्ट चेफस्टम में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है। नीदरलैंड सबसे सफल टीम है। तीसरे स्थान के मैच में इंग्लैंड ने शूट आउट में भारत को 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस बैंक के इंडस मर्चेंट सोल्यूश ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 जीता है, तो किस बैंक ने, तो है इनसेंड बैंक ने। राइट आंसर होगा D। जो इनसेंड बैंक है उसके व्यापारियों के लिए इंडस मर्चेंट सोल्यूश ऐप ने हाल ही में उत्कृष्ट डिजिटल CX SME भुगतान के लिए डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 जीता है, और इस अवार्ड को डिजिटल बैंकर द्वारा किया जाता है जो विश्व स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय समाचार सेवा प्रदान करता है। यह ऐप नवंबर 2021 में लॉन्च किया था। अनुदान आयोग ने किसने दिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के छात्रों को जो है एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी है। अब दोनों डिग्री या तो अलग अलग विश्वविद्यालयों से
या एक ही विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। देश के छात्रों को दो मास्टर कार्यक्रम, एक डिप्लोमा और एक यूजी कार्यक्रम या दो स्नातक कार्यक्रम चुनने की अनुमति होगी। देखते हैं आज का सवाल और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। आज के टोटल क्वेश्चन कितने होंगे आपके लिए? दो। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के दिमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पुराने जो पत्थर के घड़े हैं वो मिले हैं, तो किस राज्य के अंदर मिले हैं? ऑप्शन आपके सामने पेश, बिहार, पंजाब, असम या कर्नाटक। जल्दी जल्दी आंसर करें कि किस राज्य के दिमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं, बिहार, पंजाब, असम या कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दो। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो कितने शहरों के अंदर? 126, 130 या 128। जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चन के आंसर करें आप कमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दो है वो एक बार फिर रिपीट करता हूँ। आवास शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त इनके अलावा कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? 120, 126, 130 या 128। जल्दी जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर छः, किस राज्य के दिमा हसाओ जिले में जो है मेगा स्लिप स्टोन जार की खोज की गई है? तो है असम। सही आंसर क्या होगा? असम। असम के दिमा हसाओ जिले में जो है मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है। इस जार को पहली बार 1929 में जॉन हेनरी हेटन और जेम्स फिलिप मिल्स ब्रिटिश सिविल सेवकों द्वारा देखा गया था, जबकि 2016 और 2020 में ऐसी ही साइटों की खोज की गई है। एसेट रिएक्शन कंपनी में अपने पूरे 4 स्वामित्व को बेचने की घोषणा की है, किस बैंक ने? तो वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगभग 4 करोड़ रुपए में भारत एसएमई एसेट रिएक्शन कंपनी में अपने पूरे 4% स्वामित्व को बेचने की घोषणा की है। बैंक की 4% हिस्सेदारी जो है 40 लाख दिल हो जाती है, 9.80 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 3.92 करोड़ रुपए नकद में बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आठ नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के जमदेशपुर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तिरंजी टूर्नामेंट है वो आयोजित किया गया? तो किस राज्य के अंदर जो है किया गया जमदेशपुर के? तो वह झारखंड के जो है जमदेशपुर है उसमें टाटा तिरंजी अकादमी में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला दो तिरंजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। हाल ही में साई ने 6 चरणों में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तिरंजी टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए जो है 75 लाख की जो है मंजूरी दी। कितने रुपए की मंजूरी मिली इसके अंदर? तो 75 लाख रुपए की टूर्नामेंट के लिए। चलिए मोटिवेशन लाइन देखते हैं कि वक्त पर वक्त की कदर ना करने वाले हैं उनको अक्सर क्या है होश आने पर क्या है वक्त का पता पूछते देखा गया है। वक्त पर वक्त की कदर ना करने वाले अक्सर होश आने पर वक्त का पता पूछते हैं, तो वह वक्त पर जो है वक्त का कदर करने सीखें। देखें पिछली वीडियो के दोनों क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेताओं का नाम। पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में माधोपुर मेला शुरू किया है? तो किस राज्य के अंदर जो है राष्ट्रपति ने जो है माधोपुर मेला शुरू किया है? तो वह गुजरात राज्य के अंदर। सही आंसर बी। किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की 99% जो आबादी है वो क्या प्रदूषित हवा में सांस ले रही है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी डी राइट आंसर था, यानी बी और डी आंसर देने वाले विजेता। तो वे हैं सरवण कुमार पहले स्थान पे, दूसरे पे हैं राजगुप्ता, तीसरे पे है ईश्वर भगत जी। आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो नीचे आपको जो
सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें साथ में, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, किसी वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।